हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स बाय सीए नवीन छाजड़ में। आज का जो लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर हम बात करेंगे सर मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में मार्जिनल कॉस्टिंग के। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सर और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो लास्ट चैप्टर में या लास्ट लेक्चर में अपन ने नहीं पढ़ा। तो देखिए, टाइम वेस्ट ना करके अपन चालू करते। दैट इज लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1-2, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे सर इस क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एलएम लिमिटेड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। एलएम लिमिटेड की इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज सेल्स गिवन है उसका 24,000 यूनिट्स एट द रेट 200 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितनी है सर, 200 पर यूनिट। आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज पीवी रेशियो इज 25% एंड ब्रेक इवन सेल्स इज दैट इज 50% ऑफ सेल्स। क्या चीज गिवन है सर, ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है और आपको पीवी रेशियो गिवन है। क्वेश्चन में क्या चीज निकालना है अपन पहले बाद में देखेंगे। सबसे पहले मुझे होता है अपन इन तीनों से अपना जो बेसिक कंसेप्ट होता है दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, अपन वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते अपन दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या आता है सर, कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा सर, प्रॉफिट। अच्छा, आपको क्वेश्चन में दैट इज सेल्स गिवन है दैट इज 24,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 200 पर यूनिट, तो आपका सेल्स का अमाउंट कितना सर, 48 लाख। और आपको कंट्रीब्यूशन की जगह आपको यहाँ पे पीवी रेशियो का फॉर्मूला गिवन है, तो पीवी रेशियो दे रहेगा 25%। तो मुझे बताना कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, दैट इज सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो कितना आएगा सर, रुपीज 12 लाख। ये 12 लाख आया तो मुझे बताना वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, दैट इज 36 लाख। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट 36 लाख है तो आपकी यूनिट्स कितनी हो जाएगी, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 150। तो मुझे अगर 200 सेलिंग प्राइस थी, 150 क्या था आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तो मैं बोल सकता हूँ दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालोगे, दैट इज आप निकाल दो 12 लाख डिवाइड बाय 24,000 दैट इज रुपीज 50 पर यूनिट। क्या है बोलो, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पर यूनिट, बोलो चीज क्लियर है। आपको क्वेश्चन में क्या चीज निकाल दिया आपने, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपको सर क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है दैट इज ब्रेक इवन सेल्स दैट इज 50% ऑफ सेल्स। अच्छा, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, और सेल्स का कितना है बोलो, 50% ऑफ सेल्स कितनी है, 48 लाख। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज पीवी रेशियो दैट इज 25%, और आपका ये अमाउंट कितना आएगा, 48 लाख का 50% दैट इज 24 लाख। तो मुझे बताना आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है बोलो, 6 लाख रुपीज। तो मैं को बताना आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना रुपये आया, 6 लाख रुपये। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख है, कॉन्ट्रीब्यूशन 12 लाख है, तो आपका प्रॉफिट भी कितना आएगा बोलो, 6 लाख रुपीज। बोलो चीज क्लियर है, क्या करा मैंने, कुछ भी नहीं किया सर। जो क्वेश्चन में अपन ने पीवी रेशियो गिवन था उससे अपन ने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, और अपने ब्रेक इवन सेल्स के बारे में गिवन था। ब्रेक इवन सेल्स कितना बोल रहा है, 50% ऑफ सेल्स, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा, 50% ऑफ सेल्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट गिवन नहीं है, पीवी रेशियो गिवन, और सेल्स अपने को ब्रेक इवन सेल्स का अमाउंट गिवन है, तो अपन ने क्या निकाल दिया, फिक्स्ड कॉस्ट जो अमाउंट कितना आया, 6 लाख। अब देखिए सर क्वेश्चन में क्या चीज पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर। फिक्स्ड कॉस्ट कितना निकाल दिया सर अपन ने, 6 लाख। सेकंड, द प्रॉफिट अर्नड, कितना प्रॉफिट अर्न किया बोलो, दैट इज प्रॉफिट भी कितना है बोलो, 6 लाख। बोलो चीज क्लियर है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या देगा इसका, थर्ड पार्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट यूनिट्स टू बी सोल्ड। आपको यह निकालना है कितनी यूनिट सोल्ड करेगा एट प्रॉफिट कितना है, एट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 11 लाख। अच्छा, 11 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो आपको निकालना है भैया सेल्स का अमाउंट कितना है। अच्छा, मुझे बताना सेल्स मैं अगर रुपीज में निकालू, सेल्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में एक और बताया था दैट इज अगर सेल्स आपको यूनिट्स में निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, सेल्स इन यूनिट्स निकालना है, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट जो आपने निकाला कितना है सर, 6 लाख रुपीज, और आपको प्रॉफिट गिवन है दैट इज 11 लाख रुपीज, और आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है बोलो, 50 रुपीज़। यहाँ पे अपन ने निकाला तो मुझे बताओ कितना आएगा, दैट इज 17 लैक्स
डिवाइडेड बाय 50, तो मुझे बताना कितना आएगा सर आपका अमाउंट, 17 लाख, 17 लाख डिवाइडेड बाय 50 पर यूनिट, तो आपका आएगा सर 34,000 यूनिट्स। क्या आया 34,000 यूनिट्स सर, ये आया आपका आंसर। ताकि कितने यूनिट्स मैं मार्केट में जाके बेचूंगा तब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, 11 लाख रुपीज़। मैं कितने यूनिट्स मार्केट में बना के बेचूंगा, 34,000 यूनिट्स बना के बेचूंगा तब मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 11 लाख रुपये। अच्छा मैं इससे कम बना के बेचता हूँ, दैट इज अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 24,000 यूनिट बना के बेचता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना है, 6 लाख। मतलब जितना सेल बढ़ाओगे प्रॉफिट उतना बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट क्या है सर, क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट। नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है, एट द प्रॉफिट दे रखा है, दैट इज 25% ऑन कॉस्ट, क्या दे रखा है, 25% ऑन कॉस्ट। अच्छा आपको अगर याद नहीं हो तो मैं एक चीज क्लिक करवाता हूँ, आपने पढ़ा होगा दैट इज अगर कॉस्ट का प्रॉफिट अगर 1/4 है तो सेल्स का कितना हो जाएगा बोलो, 1/5। कॉस्ट का अगर 1/3 है तो सेल्स का कितना हो जाएगा बोलो, 1/4। ठीक है देखो एग्जांपल लेके समझते हैं, आपको पता है दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स। लेट सपोज कॉस्ट इज इक्वल टू 100, कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25% ऑफ कॉस्ट, दैट इज 25, तो सेल्स कितना हो गया, 125। आप देखिएगा सर कॉस्ट का प्रॉफिट कितना है, 25/100 दैट इज 1/4, और सेल्स का निकालोगे तो कितना आएगा, 25/125 दैट इज 1/5। मतलब आपको कॉस्ट का 1/4 दे तो सेल्स का कितना हो जाएगा, 1/5। तो मैं बोलता हूँ लेट आपको सेल्स निकालना, दैट इज लेस सेल्स इक्वल टू एक्स। मैं लेता हूँ भैया मैं सेल्स का अमाउंट कितना है एक्स, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा बोलो, प्रॉफिट इक्वल टू 1/5 ऑफ एक्स, दैट इज 0.20x। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दैट इज यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो मुझे बताओ मेरा सेल्स का अमाउंट कितना होता है, सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अच्छा मुझे बताना सेल्स में क्या ले रहा हूँ, लेट सपोज अपन ने सेल्स के लिया था एक्स लिया और प्रॉफिट कितना लिया सर 0.20x और फिक्स्ड कॉस्ट कितना क्वेश्चन में 6 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो आपका कितना है सर 0.25। 25% को मैं क्या ले रहा हूँ 0.25। मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा सर, इधर आ जाएगा 0.25x इक्वल्स टू 0.20x प्लस 6 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05x इक्वल्स टू 6 लाख, तो x कितना आएगा सर 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.05। आप मुझे बताइएगा सर कितना आएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.05 कितना आएगा सर, यहाँ पे लेता हूँ मैं 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.05 कितना आएगा सर 1 करोड़ 20 लाख, कितना आएगा सर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का सेल। अच्छा ये एक्स क्या है मुझे बताओ, सेल्स का अमाउंट है, अपन ने सेल्स का अमाउंट लिया तो मुझे बताना नंबर ऑफ यूनिट्स कितने निकालोगे, दैट इज सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 200, कितना है सर 1 करोड़ 20 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 200, तो आपका आएगा सर ये 60,000 यूनिट्स। बोलो चीज़ समझ में आई, अगर आप मार्केट में 60,000 यूनिट्स बना के बेचोगे तभी आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा कॉस्ट का 25%। समझ में आया बोलो, ठीक है देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज ब्रॉट डाउन बाय 4,000 यूनिट्स। ये क्या बोल रहा है, अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट को अगर रिड्यूस कितना कर दूं, इज ब्रॉट डाउन बाय 4,000 यूनिट्स, तो आपको निकालना क्या आएगा, आपको क्या निकालना है सर यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी होगी। अच्छा उसके लिए सबको सबसे पहले आपको ब्रेक इवन पॉइंट हमने कितना निकाला हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 50% ऑफ सेल, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना रुपीज था 24 लाख। अच्छा आपका ब्रेक इवन पॉइंट आया था 24 लाख पे, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया था, मैं फिफ्थ पॉइंट ले रहा हूँ फिफ्थ पार्ट, आपका ब्रेक इवन सेल आया था दैट इज 24 लाख रुपीज पे, तो ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में कितना आया होगा सर 24 लाख डिवाइड बाय 200 पर यूनिट, तो आपका आया होगा 12,000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन पॉइंट आया था। अच्छा 12,000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है तो अभी क्या बोल रहा है सर आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है। अच्छा 12,000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन कब था, जब सेलिंग प्राइस कितनी थी 200। अच्छा मुझे एक चीज बताना, आपको ब्रेक इवन पॉइंट रिड्यूस करना है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोलता है, ऐसा पॉइंट जहां पे जितनी भी सेल कर दो, आप कितना भी सेल कर लो जब ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। अच्छा अगर मैं 200 रुपीज पर यूनिट की अगर सेलिंग प्राइस रखता हूं तो मेरे को 12,000 यूनिट बना के बेचनी पड़ेगी, तब मेरा क्या आएगा, ना तो प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा। अब मुझे ये चीज क्लियर निकालनी है कि सर अगर मैं सेलिंग प्राइस बढ़ाऊंगा तो मुझे बताना मेरा प्रॉफिट जल्दी रिकवर होगा,
सीधी बात है ना, आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओ तो प्रॉफिट जल्दी रिकवर होगा। यहाँ पे मुझे बताओ, अगर आपको 12,000 से कम लाना है तो सेलिंग प्राइस आपको 101% बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है सर, आपका न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कितना होना चाहिए? आपका न्यू ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहा है दैट इज 12,000 में से 4,000 रिड्यूस करना है। आपका न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कितना होना चाहिए बोलो सर? 8,000 रुपीज़ का क्या होना चाहिए? 8,000 यूनिट्स का क्या होना चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए? 8,000 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए। अच्छा मुझे बताना सर, 8,000 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा? जब मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा दूंगा, सेलिंग प्राइस बढ़ा दूंगा। मैं बोल रहा हूँ लेट सपोज सेल्स इक्वल्स टू एक्स, सॉरी मैं लेता हूँ सेलिंग प्राइस अगर मैं एक्स लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे बताना मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? अच्छा सेलिंग प्राइस कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना सर? 150। अच्छा मुझे बताना मैं सेलिंग प्राइस कितनी भी चेंज करूँ, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप मार्केट में वो प्रोडक्ट उसी रेट में लेके आ रहे हो, पर यूनिट वही रेट लगेगी आपको, आपकी सेल्स प्राइस के अकॉर्डिंग आपका वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है? दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स मैंने लिया एक्स, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 150। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? एक्स माइनस 150। अच्छा मुझे बताना ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 8,000 यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर यहाँ पे? 6 लाख। और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? एक्स माइनस 150। तो मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, एक्स माइनस 150 इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 8,000। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 8,000 कितना होगा देखिए, दैट इज अगर मैं लेता हूँ 6 लाख डिवाइडेड बाय 8,000, यह आएगा सर ₹75 पर यूनिट। तो मुझे बताना x माइनस 150 आया 75, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 150 प्लस 75 दैट इज 225। ये क्या चीज़ निकाली सर अपने? ये चीज़ वो निकाली कि भैया मैं अगर सेलिंग प्राइस ₹225 की पर यूनिट कर दूंगा तो मैं जल्दी प्रॉफिट कमाना चालू करूंगा, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जल्दी रिकवर होगा, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जल्दी रिकवर होगा तो मुझे तो ब्रेक इवन पॉइंट भी जल्दी आएगा। 12,000 यूनिट्स पर ब्रेक इवन पॉइंट ऑलरेडी आ रहा था जब आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था? 200। 200 रुपये पर यूनिट की सेलिंग प्राइस रखने पे आपकी ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा था 12,000। अब आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ जाएगा और बढ़ेगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ जाएगा, दैट इज 8,000 यूनिट्स पर ब्रेक इवन आ चुका है। बोलो चीज़ क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 इजी क्वेश्चन है, लेंदी है बट बहुत इजी है। एक बार आप इसको लिखिए, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? दैट इज मैक्सिमम प्रोडक्शन दे रखा है कौन सी कंपनी का? KM प्राइवेट लिमिटेड का मैक्सिमम प्रोडक्शन देखा, दैट इज 28,000 यूनिट्स पर मंथ। एक महीने में कितना मैक्सिमम यूनिट्स बना सकता है KM प्राइवेट लिमिटेड? 28,000। अब बोला सर आउटपुट एट डिफरेंट लेवल्स अलॉन्ग विद द डेटा अलॉन्ग विद द कॉस्ट डेटा इज गिवन। अपने को बोला सर अलग अलग कॉस्ट दे रही है और अलग अलग एक्टिविटी लेवल दे रखा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर एक्टिविटी लेवल। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। एक्टिविटी लेवल सर अगर 16,000 यूनिट्स है, 16,000 यूनिट्स, नेक्स्ट 18,000 यूनिट्स और नेक्स्ट इज 20,000 यूनिट्स। आपको दे रखा है सर सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल। क्या दे रखा है? डायरेक्ट मटेरियल का सर आपको अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज ₹12,80,000। कितना अमाउंट है सर? ₹12,80,000 और 18,000 यूनिट्स पे आपको देखा, दैट इज 14,40,000 और 20,000 यूनिट्स पे आपको दे रखा है, दैट इज 16 लैक्स। आपको दे रखा है सर डायरेक्ट लेबर दे रखा है सर 16,000 यूनिट्स में दे रखा है 17,60,000, इसमें दे रखा है 19,80,000 और इसमें दे रखा सर आपको 22 लाख, आपको अमाउंट दे दिया। नेक्स्ट आपको दे रखा सर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या दे दिया?
टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स 16,000 यूनिट्स पे आपका अमाउंट है 22 लाख का, 18,000 यूनिट्स पे अमाउंट है 23 लाख 70,000 और 20,000 यूनिट्स पे अमाउंट है 25 लाख 40,000। आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन है। नेक्स्ट क्या देगा, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट ए एक्टिविटी लेवल ऑफ 24,000 यूनिट्स बाय कंसिडरिंग द प्रॉफिट एट अ रेट ऑफ 25% ऑन सेल्स। आपको यह निकालना है सर, यू आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है, उसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आपका प्रॉफिट होगा सेल्स का 25%। अच्छा मुझे बताना सर, आपको सिर्फ ये चीज गिवन है और आपको एक्टिविटी लेवल गिवन है। मैंने आपको सर बोला था कि दो टाइप की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा आपको यहाँ पे पता लगाना सर कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है और कौन सी एक कॉस्ट जिसका नाम है दैट इज सेमी वेरिएबल, आधी वेरिएबल और आधी फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे अगर मैं पता करूँ दैट इज 12,80,000 रुपये लग रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल की बात करता हूँ, 12,80,000 रुपये लग रहे हैं कितनी यूनिट्स के लिए, 16,000 यूनिट्स के लिए। तो आप मुझे बताइएगा कितना आएगा, दैट इज अगर मैं बात करूँ मटेरियल की 12,80,000 डिवाइडेड बाय 16,000 तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी सर यहाँ पे 80 रुपीज़ आ रही है। सेम आप इसमें निकालिएगा 14,40,000 डिवाइडेड बाय 18,000, इसमें भी आएगी सर 80 रुपीज़ पर यूनिट। और नेक्स्ट निकालिएगा 16 लैक्स डिवाइडेड बाय 20,000 तो आएगा सर आपका 80 रुपीज़ पर यूनिट। मतलब मुझे चीज़ क्लियर होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट कितना है बोलो मटेरियल का 80 रुपये पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर की केस देखो, डायरेक्ट लेबर के केस में 17,60,000 डिवाइडेड बाय 16,000 यूनिट्स, ये आएगा सर 110 रुपीज़। नेक्स्ट आप देखिए 19,80,000 लग रहा है, 19,80,000 रुपये लग रहा है कितने यूनिट्स के लिए, 18,000 यूनिट्स के लिए, इसमें भी कॉस्ट कितनी आ रही बोलो 110। नेक्स्ट देखिए सर 22 लैक्स डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है सर 20,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 20,000, ये भी कितना आएगा बोलो 110। तो ये भी क्या हो गया बोलो, वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया बोलो 110 रुपीज़। यहाँ पे आप देखिएगा दैट इज 22 लैक्स। यहाँ पे पहले बात देखिए, कोई भी कॉस्ट यहाँ पे फिक्स नहीं है, मतलब हर बार कॉस्ट चेंज हो रही है। तो पहली कॉस्ट कितनी आ रही बोलो 22 लैक्स, कितनी आ रही सर 22 लैक्स, यहाँ पे देखिए सर आपको तीनों और यूनिट तीनों एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट तीनों की अलग अलग आ रही है। यहाँ पे कोई भी कॉस्ट ऐसी नहीं है जो फिक्स्ड है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट होती तो तीनों यूनिट पे बोलो तीनों लेवल पे क्या होता, कॉस्ट सेम रहती। यहाँ पे देखिए सर तीनों के केस के अंदर, तीनों केस में आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रहा है 110, यहाँ पे कितना आ रहा है 80। आप इस केस में निकालिए दैट इज 22 लैक्स, 22 लैक्स डिवाइडेड बाय आपकी यूनिट से 16,000 कितना आ रहा है सर, ये अमाउंट आ रहा है 137.50। नेक्स्ट केस में निकाले 23,70,000 डिवाइडेड बाय यूनिट से 18,000, यहाँ पे आ रहा है सर 131.667। और नेक्स्ट निकाले 25,40,000 में डिवाइडेड बाय अगर मैं कर दूँ 20,000 तो कितना आएगा 127। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना, अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होती तो इन तीनों की तरह, इन दोनों की तरह यहाँ पे भी कॉस्ट पर यूनिट कितना था, सेम आता। यहाँ पे देखिए कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है, अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट होती तो सर ये तीनों का जो टोटल अमाउंट है ना वो क्या आता बोलो, एक ही आता। देखिए आपको आपके क्वेश्चन में आगे देगा दैट इज टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब क्या, टोटल कॉस्ट गिवन है, मतलब आपको यहाँ पे क्या चीज़ निकालनी पड़ेगी, कुछ तो वेरिएबल कॉस्ट है और कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है। बोलो समझ में आया, अपन ने कल एक क्वेश्चन किया था दैट इज आधा वेरिएबल कॉस्ट और आधा फिक्स्ड कॉस्ट है, तो मुझे बताना ये कौन सी कॉस्ट हो गई बोलो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कौन सी हो गई बोलो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो मुझे बताना अपन इन दोनों की बात करते हैं, सबसे पहले इन दोनों में चेंज इन कॉस्ट कितना हो रहा है बोलो, चेंज इन कॉस्ट कितना चेंज हो रहा है दैट इज 23,70,000 में से 22 लैक्स माइनस करिएगा दैट इज 1,70,000। और चेंज इन यूनिट्स कितनी यूनिट चेंज हो रही बोलो, 16,000 से 18,000 हो रही, कितनी यूनिट चेंज हो रही बोलो 2,000 यूनिट्स। तो मैं अगर दिखा लूँ 1,70,000 डिवाइडेड बाय 2,000 यूनिट्स, तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी बोलो 85। अगर मैं इसको ए लेऊँ इसको बी लेऊँ तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा बोलो, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, ये कितना आएगा 85 रुपीज़। तो ये क्या है बोलो 85 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आप बोलोगे सर एक काम करो, एक बार इन दोनों का भी निकाल के देखो, इन दोनों का भी निकाल के देख लेते सर, इन दोनों में मुझे तो कॉस्ट कितनी चेंज हो रही है दैट इज 25,40,000 माइनस 23,70,000, कितना कॉस्ट चेंज हो रहा है बोलो 1,70,000।
70,000 का कॉस्ट चेंज हो रहा है और कितना यूनिट चेंज हो रहा है बोलो, सेम 2000 यूनिट्स। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, यहाँ पे भी कितना आएगा बोलो, 85 रुपीज पर यूनिट। आप बोलो सर एक काम करो, ए और सी इन दोनों का डिफरेंस निकालो। ए और सी के केस में मुझे तो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, दैट इज 22 लैक्स और 25,40,000। तो 25,40,000 माइनस 22 लैक्स कितना आएगा सर, ये आ रहा है 3,40,000 कॉस्ट चेंज हो रहा है। और चेंज इन यूनिट्स, कितनी यूनिट चेंज हो रही है बोलो, 16,000 यूनिट से कितना चेंज हो रहा है, 20,000 यूनिट्स। तो कितना यूनिट चेंज हो रहा है, 4,000। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा बोलो, दैट इज 3,40,000 डिवाइडेड बाय 4,000, ये भी कितना आएगा बोलो, 85 रुपीज पर यूनिट। तो मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मेरे वेरिएबल कॉस्ट में एक तो 80 है, एक है 110, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया बोलो, 85 रुपीज पर यूनिट। बोलो चीज़ क्लियर है। अच्छा मुझे बताना, 85 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। एक काम करो, कोई से भी लेवल पे लेके निकाल दीजिए। मैं काम करता हूँ सर 16,000 यूनिट्स पे निकालता हूँ। अगर 16,000 यूनिट्स पे, अगर मेरी 16,000 यूनिट्स पे निकालता हूँ, एट मैं निकालता हूँ 16,000 यूनिट्स पे, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है सर 16,000 यूनिट्स पे, 22 लैक्स। इसमें कुछ ना कुछ तो वेरिएबल कॉस्ट होगा और कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 85 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 16,000। निकालो सर कितना आएगा, 85 मल्टीप्लाइड बाय 16,000 कितना आएगा सर, 13,60,000। और ये डिफरेंस अमाउंट कितना आ जाएगा, 13,60,000 तो ये है, और ये आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी बोलो, 8,40,000। बोलो ये समझ में आया। अच्छा आप चाहो तो सर दूसरे लेवल पे निकाल लीजिए। मैं काम करता हूँ सर दूसरे लेवल पे निकालता हूँ, दैट इज अपन एक काम करते निकालते हैं, दैट इज एट 18,000 यूनिट्स। 18,000 यूनिट्स पे मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है बोलो, टोटल कॉस्ट आ रही है 23,70,000। उसमें से मुझे बताना कुछ तो वेरिएबल कॉस्ट है और कुछ क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, दैट इज 18,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 85। तो निकालो 18,000 निकालो, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 85 कितना आएगा सर, 15,30,000। 15,30,000 वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा निकालिए, 23,70,000 में से 15,30,000 माइनस गए तो कितना है सर, 8,40,000। बोलो ये चीज़ क्लियर है, 8,40,000 क्या आ रहा है आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है, ये चीज़ समझ में आई। अच्छा आपको मुझे बताना, अब आपको तीन चीज़ समझ में आ गई, आपको क्या चीज़ निकालना है, सेल्स निकालना है, आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, क्या आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस क्या होता है बोलो फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या आता है बोलो प्रॉफिट, क्या आता है प्रॉफिट। अच्छा मुझे बताना वेरिएबल कॉस्ट आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 80 रुपीज़ तो मटेरियल का, लेबर का 110 और ओवरहेड्स का कितना है 85। तो मुझे बताना कितना आ रहा है, 80 + 110 दैट इज 80 + 110 + 85 आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है सर, 275। और आपका कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है आपको, उसमें से माइनस आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना निकाला सर आपने, 8,40,000। बोलो चीज़ क्लियर है। आपको क्या निकालना है, सेल्स निकालना है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20। प्रॉफिट कितना है आपका क्वेश्चन में, देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स, क्या क्या लोन 25% ऑफ सेल्स। बोलो चीज क्लियर है, बोलो समझ में आया। आपको क्या निकालना है, सेल्स निकालना है एट वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है 275, कॉन्ट्रीब्यूशन आपको निकालना पड़ेगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, और प्रॉफिट कितना है 25% ऑफ सेल्स। तो मैं बोलता हूँ लेट सेल्स इक्वल टू एक्स, मैं लेट सेल्स क्या ले रहा हूँ एक्स। तो मेरे को बताना 24,000 यूनिट्स पे सेल्स कितना हो जाएगा, ये मैं सेल्स की जगह लेता हूँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, लेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी एक्स। तो मुझे बताना 24,000 यूनिट्स पे सेल्स का अमाउंट कितना जाएगा, एट 24,000 यूनिट्स मेरी सेल्स कितनी हो जाएगी बोलो, 24,000 एक्स हो जाएगा। तो मुझे बताना मेरा 24,000 एक्स हो गया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा सेल्स का 24,000 एक्स का कितना परसेंटेज, 25% कितना आएगा सर, 6,000 एक्स क्या है मेरा, दैट इज 6,000 एक्स क्या है सर मेरा प्रॉफिट आया। बोलो दो चीज़ आपने निकाल दी, प्रॉफिट निकाल दिया और आपने क्या निकाल दिया, दैट इज 6,000 एक्स आपने प्रॉफिट निकाल दिया 6,000 एक्स, और आपने सेल्स कितना निकाल दिया सेल्स कितना निकाल दिया 24,000 एक्स निकाल दिया। अब मुझे सोच के बताना आपका जो फॉर्मूला होता है, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है,
275, तो मैं बोलता हूँ वेट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, बोलो 275 पर यूनिट है, 275 मल्टीप्लाइड बाय 24,000 कितना आएगा देखिए, 275 दैट इज 275 मल्टीप्लाइड बाय 24,000 ये आपका आएगा सर 66 लैक्स, 66 लैक्स किसके बराबर है बोलो, कंट्रीब्यूशन के बराबर है, और कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पे सेल्स से 24,000 x, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 24,000 x माइनस 66 लैक्स, 24,000 x माइनस 66 लैक्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका बोलो क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट आपका है सर 8,40,000, और ये किसके बराबर है बोलो, प्रॉफिट के बराबर है, और प्रॉफिट आपको कितना गिवन है 6,000 x, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे निकाल सकता हूँ सर, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कितना निकालूंगा 24,000 x माइनस 66 लैक्स, ये आया कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है 8,40,000 किसके बराबर है बोलो 6,000 x, मैं इधर ले जाता हूँ कितना आएगा 18,000 x इज इक्वल टू 66 लैक्स प्लस 8,40,000, देखिए 66 लैक्स प्लस 8,40,000 कितना आता है, दैट इज 74,40,000 किसके बराबर है बोलो 18,000 x के बराबर, तो x कितना आएगा 74,40,000 डिवाइडेड बाय कितना आया बोलो 18,000 निकालिए, डिवाइडेड बाय 74,40,000 डिवाइडेड बाय 18,000 कितना आएगा सर आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट x आएगा 413.33, बोलो चीज़ समझ में आया, ये क्या निकाला सर आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल दिया दैट इज 413.33, ये क्या निकाला आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो आपको क्वेश्चन में निकालना था, बोलो चीज़ समझ में आई, ठीक है इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत इजी है, अगर आपको अगर आपका आंसर क्लियर, अगर आपको मेन कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे क्या निकालना है और आपको ये वाली टेबल क्लियर है तो आपने इजीली निकाल लोगे। यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी सर वो ये थी, आपको वेरिएबल कॉस्ट पता लगाना और कौन सा कॉस्ट लगाना है पता, फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों में तो वेरिएबल कॉस्ट निकल गया था, यहाँ पे क्या है बोलो सेमी वेरिएबल है, तो कुछ तो वेरिएबल थी और कुछ फिक्स्ड थी, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया था 85 और फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया था बोलो 8,40,000, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर के अंदर अपन ने जो दो क्वेश्चन पढ़े, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, अभी अपन ने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन नंबर 7, मार्जिनल कॉस्टिंग में सर अगर आप देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन नंबर 7 अगर जिसके हो जाते हैं उसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग इनफ है, और आपको आपके अगर दिमाग में कोई और क्वेश्चन भी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मेरे को मेल करिए, जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा, ये दो क्वेश्चन जो मैंने कराए इसकी भी मैं क्वेश्चन जो मैंने है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक उसकी दे रखी है, तो आप क्वेश्चन वहाँ से पढ़ सकते हैं, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है आप मुझे तुरंत कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।